नमस्ते किसान भाइयों, अभी हम बावतरा गांव में नरपत सिंह जी दहिया इनके खेत में आए हुए। जो हम दो साल से आपको बोल रहे कि सरसों का मल्चिंग करना चाहिए, जिससे जो है जड़ें गर्म नहीं होंगी, नमी बनी रहेगी, सफ़ेद जड़ अच्छी निकलेगी, और जो हम ट्राइको सुडो पैसिलो माइक्रोवेज जो जीवाणु जमीन में छोड़ रहे वो जीवित रहते, तो वो जीवित रहे तो जड़ें स्वस्थ रहेगी, आपको कोई केमिकल की जरूरत नहीं आएगी। तो किस टाइप डालना है अभी हम बताते। जहाँ आपका ड्रिपर का पानी आता है, जहाँ पे अपना गीलापन ज़्यादा रहता है, वहाँ तने के पास डालने की जरूरत नहीं। छोटा पौधा है तो तने पे ले सकते हैं, अगर बड़े हो गए और जैसे इस टाइप डाल दिया तो इसमें नमी बनी रहेगी। फिर अपना जो लैटर है ये आएगा इसके ऊपर, इसी टाइप इधर भी होगा, दोनों साइड में इसमें करवाना है, तो इससे नमी बनी रहेगी और इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। तो ये प्रयोग आप हर साल करना चाहिए, और बड़े पौधे हैं तो भी उसमें थोड़ा करना ही चाहिए। बस इस हाँ, तो इससे क्या होगा, आपका ज़्यादा पानी देने की जरूरत नहीं, जड़ गलन होगी नहीं। तो इसी टाइप इस खेत में जी पूरा प्रयोग किया है। 2-4 महीने के पौधे उसमें भी मल्चिंग करना चाहिए ना? 2-4 महीने के पौधे, 2-4 महीने के, अगर इधर के थोड़ा भैया, अगर 1-2 महीने या 2 महीने के पौधे तो उनका सीधा यहाँ पे लेना है, नज़दीक लेना है, नज़दीक उसका डालना है, और पौधे अपने बड़े तो यहाँ का आधा आधा फीट गैप छोड़ के फिर इसके ऊपर ऐसा मल्चिंग करना है। धन्यवाद।